नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन ट्रिक्सी टेक। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त तनोज रविंदर सिंह। दोस्तों अगर आप भी ऑफिस में हैं तो फ्रिक्वेंटली ऐसे ही सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, और जो सैनिटाइजर है वो ओरिजिनल यूज़ करें, अच्छे वाला यूज़ करें जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो। और वो चेक आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका सैनिटाइजर है ये जैसे लिक्विड फॉर्म में है, आपके पास जेल फॉर्म में हो सकता है, तो जो भी है उसको आप थोड़ा सा निकालिए कहीं पर और उसमें आग लगा कर देखिए। अगर उसमें आग जल जाती है, जितनी ज़्यादा अच्छी आग जलती है, जितने अच्छे से आपका सैनिटाइजर जलता है वो उतना ही अच्छा है, उसमें उतनी ही ज़्यादा अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है तो वो जलेगा। तो ये काफ़ी मैंने देखा है बहुत अच्छे से जलता है, तो इसलिए आप इस तरह से चेक कर सकते हैं अपना सैनिटाइजर अच्छे वाला है या ख़राब है। क्योंकि आजकल जो है ऐसे टाइम में भी लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, बिल्कुल पानी मिला मिला कर सैनिटाइजर बेच रहे हैं। तो दोस्तों वो बेकार हैं, उनसे कुछ होगा नहीं, तो अच्छा सैनिटाइजर ही यूज़ करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया हुआ कि आपके भाई का मोनेटाइज हो चुका है चैनल, और अब मैं इस चैनल से पैसे भी कमा सकता हूँ। तो दोस्तों मोनेटाइज मेरा मई में हो गया था, और जैसे ही अप्लाई किया था 2 दिन के अंदर ही मेरा अप्रूव हो गया था, और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है $10 भी हो गए, और $10 के बाद जो है आईडी वेरिफिकेशन के लिए एक्शन बटन आ जाता है। तो आज मैं वही दिखाने वाला हूँ आपको, मेरे पास एक्शन बटन आ चुका है और उससे मैं आईडी वेरिफिकेशन करने वाला हूँ। तो चलिए आज देख लेते हैं किस तरह से आईडी वेरिफिकेशन होता है बिल्कुल सक्सेसफुली, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है अगर आप यूट्यूब पर पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं या यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में, और आपको ऊपर ये दिख रहा है नोटिफिकेशन आया है, और इस पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट्स एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग। तो दोस्तों हमें एडसेंस अकाउंट में जाना होगा, उसके लिए मैं नई टैब में अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करूँगा, लॉगिन करूँगा दोस्तों। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा स्लो काम करेगा, उसके लिए मैं समझ आता हूँ। साइन इन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए काफ़ी टाइम ले रहा है। तो ये ओपन हो गया है, अब इधर मैं अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लूँगा। सेम आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। नेक्स्ट, अब पासवर्ड। नेक्स्ट, तो ये अपने हम आ गए हैं एडसेंस अकाउंट में। दोस्तों ये होम पेज है एडसेंस का, और होम पेज पे आपको ये देखिए एक्शन बटन नज़र आ रहा है ऊपर रेड कलर में, और ये लिखा हुआ है योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो दोस्तों ये देखिए एक्शन बटन, इसी को कहते हैं एक्शन बटन, और इसी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कौन सा पेज खुल के आता है। तो ये यहाँ पर इस तरह का कुछ पेज आपने देखने को मिलेगा, और वेरीफाई नाउ का बटन मिलेगा। अभी ये अर्निंग दिखा रहा है लास्ट मंथ की, तो
और नीचे जो है ये सब हमारी जो हमने डिटेल डाली थी एडसेंस क्रिएट करते समय वो है। और दोस्तों वेरीफाई करने से पहले अपना चेक कर लें कि जो आपकी आईडी प्रूफ है उसमें जो डिटेल है वो सेम आपके आपने जो एडसेंस में डाल रखी अपनी डिटेल वो एकदम सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो नाम है वो बिल्कुल एज इट इज़ आपकी आईडी में जो है वही होना चाहिए। एड्रेस वगैरह है अगर आपकी आईडी में तो सेम वही होना चाहिए जो आपकी आईडी में है वही यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम रविंदर सिंह है तो इसकी स्पेलिंग और सरनेम सेम मेरा पैन कार्ड में है क्योंकि मैं पैन कार्ड से वेरीफाई करवाऊँगा तो ये सब कुछ सेम है। अगर आपके में सेम नहीं है तो आप उसको एडिट कर लें। तो मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया और एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी डिटेल को। यहाँ पर आपको मिलता है एक मौका जो है इस आपको यही टाइम है। अगर आपके में कुछ डिफरेंट है आईडी में तो यहाँ से जाकर जो आईडी में है वैसा कर लें। तो ये देखिए फ़ोटो आईडी और ये सब लिखा हुआ है कि आप क्या क्या इसमें जो है किस किस से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इसमें है पासपोर्ट है पैन कार्ड है और वोटर आईडी है और ड्राइविंग लाइसेंस है ये चलेगा बट आधार कार्ड नहीं चलेगा तो आधार कार्ड ना करें। अपलोड पे क्लिक करके मैंने कर दिया अपलोड पे क्लिक। अभी मैं पैन कार्ड जो है यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैंने स्कैन करके स्कैन किया फ़ोटो खींचा था फ़ोन से और वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सेव करके। तो मैं उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जो है अपना फ़ोटो जो पैन कार्ड का खींचना है वो किस तरह से खींचना है। वो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी सनलाइट में खींचना है बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए आपके पैन कार्ड का फ़ोटो। मैं दिखा देता हूं आपको और किस तरह से खींचना है। उसके चारों कॉर्नर नज़र आने चाहिए जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो हल्का हल्का सरफेस चारों कॉर्नर पर दिखना चाहिए कि हाँ जेन्युइन आपने फ़ोटो खींचा है अपने पैन कार्ड का। तो अभी आप देखना मैं ओपन कर रहा हूँ अपना पैन कार्ड का फ़ोटो जो मैंने खींचा है। सेम इसी तरह आपको खींचना है फ़ोटो अपने पैन कार्ड का या क्रॉप कर सकते हैं। तो साइड में जो है एरिया भी लेना है ये नहीं है कि पूरा पैन कार्ड है बस उसके साइड के चारों कॉर्नर भी दिखने चाहिए। देख रहे हैं आप चारों कॉर्नर क्लियरली विजिबल हैं। तो इस तरह से आपको फ़ोटो खींच के अपलोड करना है तो आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ये इस तरह से अपलोड सिलेक्ट योर आईडी प्रूफ एंड ओपन पे क्लिक कर देंगे। मैं पैन कार्ड को सर्च कर लेता हूँ ये पैन कार्ड है मेरा और ओपन ये अपलोड हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोडिंग में क्योंकि नेट भी स्लो है। तो दो दिन बाद जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। अभी अपलोड हुआ है दोस्तों इसको सबमिट करेंगे अब हम फाइनली। आप भी अगर आपका कुछ रह गया है तो आप चेक कर लें और फिर सबमिट पे क्लिक कर दें। ये देखिए सबमिट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया ये हो गया काम ख़त्म। बस यही करना होता है गॉट इट पे क्लिक करके साइन आउट करके बाहर आ जाएं। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद जो है आप का एक दिन में दो दिन में जो है आपके चैनल पर आपको एक और नोटिफिकेशन नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा पिन वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए सॉरी। तो वो होता क्या है कि जब आप अपना आईडी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो गूगल फिर आपका एड्रेस वेरीफाई करता है और उसके लिए वो आपको जो है आपके घर पर एक लिफाफा भेजता है बाई पोस्ट। उसमें एक पिन होता है जिस तरह से आपके फ़ोन पे OTP वगैरह आते हैं उसी तरह से उसमें एक पिन आता है। वो पिन आपको डालना होगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये आपके घर पर पहुंचा हुआ है जिस जो एड्रेस आपने अपने एडसेंस में डाला है वही एड्रेस पे आप रहते हैं। तो वो डालने के बाद फिर आपको पैसे मिलने लग जाएंगे YouTube की तरफ से। जब भी आप अपने $100 कंप्लीट कर लेंगे आपको वो पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या किसी तरह से अनसक्सेसफुल रहते हैं तो फिर दोस्तों आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों बस यही करना था और बाकी मेरा जो है पिन अभी आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का पिन है और कैसे उसको जो है वेरीफाई करवाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।
और अगर आपने वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी आएंगी वीडियो फ्यूचर में वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप देख सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।